तो चलिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा सर, बहुत जानकारी हुआ है यहाँ पे आपकी। तो सॉफ्टवेयर में अगर हम पूछा जाए, तो कुछ भी पूछा जाए, अगर आपको मीडियाटेक, क्वालकॉम और आपको सैमसंग के फोन दे दिया जाए, आप उसे इजीली फ्लैशिंग और अनलॉकिंग कर पाएंगे? हाँ सर, एकदम कर देंगे। चलिए ठीक है, और क्या बोलना चाहेंगे आने वाले स्टूडेंट? जिसको भी काम सीखना है सबसे पहले एचटी टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहिए, यही सबसे बेस्ट है। उनको सही गाइडलाइन मिली कि नहीं मिली? बहुत अच्छी गाइडलाइन मिली है, बिल्कुल डायरेक्टली सोल्यूशन मिला उनको। मतलब उनको आप YouTube देखना पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा देखना। YouTube वाले स्टूडेंट को क्या बोलना चाहेंगे आप? आने वाले स्टूडेंट को यही बोलता हूँ, आप सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर का अगर काम सीखना चाहते हैं तो फटाक से यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि जितना देर करेंगे तो उतना ही आपका नुकसान है। जल्दी आइए और काम सीखिए। तो पहले हम बात करते हैं सीपी मीडियाटेक की। तो मीडियाटेक की फ्लैशिंग कौन कौन कर लेगा? सब कर लेंगे। मीडियाटेक की फारपी अगर आया तो कौन कौन हटा लेगा? चुटकी मिटाएंगे कि टाइम लगेगा? अच्छा, जो चुटकी का कंसेप्ट होता है, किसका बज रहा है किसका नहीं बज रहा है? ये दिल से बज रहा है। चलिए उसके बाद हम क्वालकॉम की बात करते हैं, तो क्वालकॉम की फ्लैशिंग सब कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सैमसंग की फ्लैशिंग कर लेंगे। उसके बाद आईफोन भी आप करेंगे। अगर आप मान लीजिए हमारा सीपीयू क्वालकॉम है और फाइल सीबीपी आ रही है या विंडो बैच आ रहा है, तो आप डिटेक्ट कर लेंगे। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं मीडियाटेक में कौन सी फाइल आती है। अच्छा, मैं अगर पर्सनल किसी से पूछूं तो बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा? अगर यहाँ पे एक एक करके अगर मैं वीडियो लूं तो सब कोई आई होप बता पाएंगे, ऐसा तो कोई है जो ना बता पाए? तो ठीक है, मीडियाटेक में कौन से ड्राइवर यूज होते हैं? बीकॉम, प्रीलोड। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा टूल यूज होता है। उसके बाद बूटिंग, किस मोड में फ्लैश होता है? फ्लैश मोड में फ्लैश होता है। उसके बाद हम क्वालकॉम की बात करते हैं, तो क्वालकॉम में कौन सी फाइल आती है? firehouse.mbl। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा टूल यूज होता है, QPST या QFIL। अच्छा, ये सब जो आपने क्लास किया प्रैक्टिकली किया कि बस आपको बताया गया थ्योरी? चलिए उसके बाद हम बात करते हैं MI अकॉर्डिंग टू CPU। मतलब अगर मीडियाटेक हुआ तो मीडियाटेक बेस पे काम करेंगे और क्वालकॉम हुआ तो क्वालकॉम बेस पे काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी सैमसंग की क्लास हुई। तो चलिए, सैमसंग में एक बहुत बड़ा एरर आता है, बैंड्री एरर का आता है, जो कि आता ही है। हम YouTube से देख करके सारी चीजें फाइंड तो नहीं कर सकते, बट यहाँ आने के बाद अब बैंड्री को कितने टाइम बाद आप डिटेक्ट कर पाएंगे, कितना समय लगेगा बैंड्री को पहचानने में? बैंड्री को पहचानने में कितना टाइम लगेगा? 10 या 15 सेकंड में आप बैंड्री को बता देंगे, जो कि अब आपका बैंड्री एरर आएगा क्या? नहीं आएगा। आपने जो बैंड्री जो आपने देखा सैमसंग की क्लास में, कोई एक कीपैड फोन में देखा क्या? नहीं। कौन से फोन में आपने प्रैक्टिकल देखा? कौन से फोन में? एंड्रॉइड का थोड़ा नाम बताइए। J7 Prime और J8, तो ये नॉर्मल फोन है क्या? नहीं। चलिए उसके बाद सैमसंग की फारपी कितने मोड से हटती है? दो मोड से हटती है। पहला, दूसरा ADB मोड। तो डाउनलोड मोड तो हमारा पता है, आपको एक और बताया गया, आपने डाउनलोड मोड यहाँ पे देखा। अधिकतर जो नॉर्मल सब जानते हैं, तीन तरीकों से आ सकता है, जिग, वॉल्यूम डाउन, अप डाउन वगैरह, पर एक आपको यूनिक भी बताया गया कि नहीं गया? चलिए उसके बाद हमारी फोन हुई थी आईफोन के बाद हमारी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में कौन सी फाइल आती है? पैक फाइल। कौन सी फाइल आती है? पैक फाइल। कौन से टूल यूज होते हैं? चलो खड़े हो जाओ, आपसे ही पूछते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए, स्पेक्ट्रम में कौन से टूल यूज होते हैं? अपग्रेड टूल होता है, रिसर्च होता है और एक फैक्ट्री होता है। तीनों का इंटरफेस सेम है। तो आपसे ही पूछते हैं कि चलिए आप बताइए, कितने सालों से सॉफ्टवेयर का काम कर रहे थे? सॉफ्टवेयर में 6 साल से। 6 साल से सॉफ्टवेयर कर रहे थे, अब 6 साल में और यहाँ का आपका 10 दिन का 5 दिन का अनुभव कैसा रहा? सॉफ्टवेयर में सर थोड़ा छोटा छोटा दिक्कत था, जिसकी वजह से हम लोग काम में अटक जाते थे। जैसे स्पेक्ट्रम में फ्लैश करते टाइम कुछ एरर आता था, एनवी का एरर आता था, तो वो लोग हम लोग टूल फाइंड नहीं कर पाते थे और एरर को बाईपास नहीं कर पाते थे। लेकिन अब अच्छा, यहाँ पे जैसे रिसर्च होता है, अपग्रेड होता है, अब हमें कौन सा टूल यूज करना है, तो वो आपको पता है कि नहीं पता? चलिए ठीक है, और वाले स्टूडेंट को क्या बोलना चाहेंगे आप? आने वाले स्टूडेंट को यही बोलता हूँ, आप सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर का अगर काम सीखना चाहते हैं तो फटाक से यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि जितना देर करेंगे तो उतना ही आपका नुकसान है। जल्दी आइए और काम सीखिए। चलिए थैंक यू। चलिए अब मैं कुछ और स्टूडेंट्स आपसे पर्सनल रिव्यू ले लेता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो आप खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए, कहाँ से आप? अरुण प्रजापति से रतलाम। क्या बोलना चाहेंगे? आपकी सॉफ्टवेयर की क्लास हुई, हार्डवेयर का तो आपने रिव्यू दिया है, तो मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर का रिव्यू आपसे लेना चाहता हूँ, तो क्या बोलेंगे आप? सर बहुत अच्छा है सॉफ्टवेयर का, सब क्लियर हो गए सर।
सब आप प्रैक्टिकल देखा आपने, कितने सालों से आप काम कर रहे थे? 7-8 साल से आप काम कर रहे थे, तो कहां पे आप मिस कर रहे थे? फाइलों पे, टूलों पे, बूटिंग पे, क्योंकि यही मेन होता है ड्राइवर, और कुछ है नहीं सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर बस समझना है, ट्रिक है, याद करने वाली चीज नहीं है। तो हम ट्रिक ही अजमाते हैं कि कौन सा टाइप हमें कब यूज करना है। तो बताइए, तो अब कैसा फील हो रहा है? मतलब 7 साल में हम जो मिस्टेक कर रहे थे, अब करेंगे क्या? सर, अब नहीं होगा, सब क्लियर हो गया सर। अच्छा, बोलते थे कि कॉम्बिनेशन मेथड फेल है, तो आप बताइए कॉम्बिनेशन मेथड फेल है क्या? कॉम्बिनेशन मेथड फेल है क्या? आपने लाइव उसका फारपी देखा है कि नहीं देखा है? तो कहने का मतलब, अगर आपका J2 की भी फाइल है तो भी आप उसकी FRP हटा सकते हैं, और Note 10 भी होगा तो आप उसकी भी FRP। पर ट्रिक आपको पता है कि नहीं पता है? चलिए ठीक है, और क्या बोलना चाहेंगे आने वाले स्टूडेंट? जिसको भी काम सीखना है सबसे पहले एचके टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहिए, यही सबसे बेस्ट है। अच्छा, ये आप दिल से बोल रहे हैं कि आपको बोला जा रहा है? बोले क्यों? चलिए आप खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए, कहाँ से आप? उत्तराखंड से हैं आप? तो चलिए, आप कितने सालों से काम कर रहे थे सॉफ्टवेयर में? 8-9 साल से भी आप काम कर रहे थे, मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस। अब बताइए, 8-9 साल का एक्सपीरियंस और 5 दिन का एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा सा। सर, बहुत दिक्कत आ रही है ड्राइवर स्टोर करने में, दिक्कत कनेक्ट नहीं हो पाता, तो फोन यहाँ आके क्लियर हो पाया है। मतलब हम कहीं ना कहीं ड्राइवर में फंसते थे, फाइलों में फंसते थे, और एक छोटी छोटी मिस्टेक करते, तो हम 8 साल से रहे। करम कितने सालों से रहे? 8 साल। पर कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी, पर अब कहीं पे भी दिक्कत आएगी क्या आपकी? अब नहीं आएगी सर, आपने जो बताया वो अच्छे से बताया, अब कोई दिक्कत। अगर FRP हटाना है तो आपको तो पता ही है नॉर्मल, पर जो एज अ फ्रेशर थे उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आपने 8 साल का एक्सपीरियंस है, जो यहाँ पे कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में जानता भी नहीं होगा, तो क्या उनको सही गाइडलाइन मिली कि नहीं मिली? बहुत अच्छी गाइडलाइन मिली है, बिल्कुल डायरेक्टली सोल्यूशन मिला उनको। मतलब उनको अब YouTube देखना पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा देखना, YouTube देखना नहीं पड़ेगा, बस ये देखना पड़ेगा कि बूटिंग कैसे हो रहा है बस। क्योंकि हर एक फोन एक जैसा बूट नहीं होता है, उसकी बूटिंग आप मेहनत करेंगे तो 4 बार आपको सारा प्रैक्टिकल बताया गया है। चलिए थैंक यू। अब मैं एक दो स्टूडेंट से और पूछना चाहूंगा। चलिए आप खड़े हो जाइए, आप अपना नाम और कहां से आप? मतीन शेख, महाराष्ट्र से। बस आप क्या बोलना चाहेंगे ये बताइए सॉफ्टवेयर के बारे में। सर, सॉफ्टवेयर में मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम थी कुछ, जो यहाँ आके पूरी क्लियर हो गई है जी। तो आप जब आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं भी 8-10 साल से काम कर रहा हूं। बताइए, यहाँ पे लगभग 8-10 साल का एक्सपीरियंस सबका है, फिर भी यहाँ पे आप कैसा लगा 8-10 साल का एक्सपीरियंस और 5 दिन का एक्सपीरियंस, बस इतना पूछ रहा हूँ। बहुत फर्क है अभी 8 साल और 10, जो मैं 8 साल में कर रहा था वो यहाँ आके अभी पूरा क्लियर हो गया। पार्टी मतलब ये सोच रहे होंगे मन में कि क्या पता 8 साल पहले आ जाते, ऐसा कुछ सोच रहे क्या? और सोचिए, यही 8 साल पहले मिलता तो आपका लेवल और कहाँ पे होता, वो तो बात की बात है, समझ में आ रहा है? तो आगे चल के आप जितना और मेहनत करते जाएंगे, अब तो आई होप आप कहीं अटकेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं सर। चलिए थैंक यू। अब मैं यहाँ पे एक दो स्टूडेंट से बस और पूछना चाहूंगा, तो आपसे थोड़ा पूछूंगा, क्योंकि आप क्योंकि अभी तक मैंने एक्सपीरियंस वालों से पूछा, किससे पूछा, बट यहाँ पे मैं एक इनसे पूछना चाहता हूँ, आप काम कर रहे थे पहले कि नहीं कर रहे थे? ये बिल्कुल भी इस फील्ड में नए हैं और सॉफ्टवेयर का कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बताइए, क्योंकि मैं बेसिक सारा लैपटॉप भी चलाना, अगर कोई फाइल ओपन करना है, कोई ड्राइवर, कोई टूल, कोई जिप अनजिप, वो सारी चीज बताई कि नहीं बताई? दिल से बोल रहे हैं। तो चलिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा सर, बहुत जानकारी हुआ है यहाँ पे। तो सॉफ्टवेयर में अगर हम पूछा जाए, तो कुछ भी पूछा जाए, अगर आपको मीडियाटेक, क्वालकॉम और आपको सैमसंग के फोन दे दिए जाए, आप उसे इजिली फ्लैशिंग और अनलॉकिंग कर पाएंगे? हाँ सर, एकदम कर देंगे। बोले चलिए थैंक, करेंगे, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस फील्ड में नए हैं, आप जितना इसमें आगे मेहनत करते जाएंगे, फेस करते जाएंगे। पर अब आपको कैसा लग रहा है बताइए? अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप सीख सकते हैं, तो जो आने वाले स्टूडेंट है वो सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे? पूरी सीख लेंगे। आप अपना फ्रंट ऑफ व्यू बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइव बता रहे हैं, हम कोई भी एडिटिंग नहीं करेंगे वीडियो में, आपका पढ़ाया हुआ कोई भी सीख सकता है सर। चलिए ठीक है, तो इनके लिए भी जोड़ बताइए, आप बताइए आप सीखे कि नहीं सीखे सर? बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, ऐसा बोला तो नहीं जा रहा है कि बोलने के लिए? चलिए थैंक यू। और सबसे तो रिव्यू नहीं ले सकता, बहुत बड़ी वीडियो बन जाए, क्योंकि हमारी थोड़ी सी क्लास बाकी है, तो मैं बस लास्ट इनसे पूछना चाहूंगा कि चलिए आप बताइए, आप कितने सालों से काम कर रहे थे? 9 साल से आप काम कर रहे थे, तो यहाँ पे देखा 8 साल, 9 साल, 10 साल और 5 साल, सबका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो आप ये बताइए कि आपका 10 साल का एक्सपीरियंस और ये 5 दिन का एक्सपीरियंस कैसा?
सर 10 साल में सर 1000 बार ऐसा स्थिति आएगी फ्लैश करते टाइम ऐसा लगता है कि कई बार सेट बंद हो जाए, बहुत बार बंद भी हुए हैं। अब बंद हो जाएगा तो उसका भी रीजन बताया गया है, फाइलों का सही नॉलेज बताया गया है, आपका डेट होगा क्या? चलिए बताइए सर, आप कंडीशन ये है कि कोई सेट बंद नहीं होगा। बंद नहीं होगा, होगा भी तो उसको चालू करेंगे, तो क्योंकि हमने यहाँ पे बंद भी किया प्रैक्टिकल लाइव की क्लास में, सेट को बंद किया कि नहीं किया, डेड किया है, कई बार डेड किया, सैमसंग को सॉब्रिक भी किया है, कॉलकॉम के सेट को प्रॉपरली फुल डेड भी किया है, फिर उसको हमने उसका काम भी किया है। तो क्या बोलना चाहेंगे आगे वाले स्टूडेंट? कोई भी सेट बंद नहीं होगा सर, जो भी आना चाहते हैं जल्दी आए, चलिए पूरा कोर्स सीखें। चलिए थैंक यू। चलिए पूरी क्लास यहाँ पर दिखाइए, क्लास यहाँ पर, यहाँ पर आज हम ईएमसी चेंज आपको सोल्यूशन दिखा रहे हैं। कौन कौन यहाँ पे ईएमसी चेंज कर लेगा? बस नोट, सिर्फ नोट 6 प्रो की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम जो कर रहे हैं वो नोट 5 प्रो की बात कर रहे हैं, या उसके अलावा भी आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ब्लैक पे स्टेट काम ठीक है। अभी हमारे ये देखिए, तो आपको देखकर ही मैं यहाँ पर दिमाग में डाल देता हूँ भाई, इन स्टूडेंट को अपना पर्सनल गिफ्ट देना है मेरे भाई, अलग से गिफ्ट मैं अलग दूंगा और वो कसम से अल्टीमेट होगा, तो अभी दिमाग में रख लो, अभी भी टाइम है। बेसिकली टाइमिंग बताओ यहाँ पर कितने बजे के कितने बजे है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?